हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद अंकित में। और मैं अंकित कुमार आप सभी के लिए NTA UGC NET JRF ज्योग्राफी सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 9 कार्टोग्राफी यानी टेक्निक्स यानी कि प्रैक्टिकल सेक्शन की सीरीज़ में ये नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे विस्क ब्रूम पुश ब्रूम IFOV रेजोल्यूशन, यानी इन सभी को आज हमें इस टॉपिक इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाला हूं, ठीक है। और इससे पहले अगर आपने इसका पार्ट वन नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप उस पार्ट वन को देखें, ताकि आपको ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ में आए। अगर आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी तो आप इसको समझने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। पहले आप उन चीज़ों को देखें, यानी कि इसका पार्ट वन देखें, तब जाके आप इसको देखें इस वीडियो को, ठीक है। तो विस्क ब्रूम क्या है, पुश ब्रूम क्या है, ठीक है, और IFOV और रेजोल्यूशन सारे एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक हैं। इन सभी को अभी देखते हैं क्या है, एक एक करके देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे NTA UGC NET JRF ज्योग्राफी सब्जेक्ट की पूरी प्रिपरेशन, पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री में, और प्लस आपको PDF नोट्स, हमारे हैंड रिटन नोट्स जो सामने आपको दिख रहे हैं, ये बिल्कुल फ्री में आपको मिलेंगे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं NTA UGC NET JRF ज्योग्राफी सब्जेक्ट से, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से हर वीडियो का जो PDF मटेरियल है डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है आपके प्रिपरेशन में, ठीक है। तो बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। विस्क ब्रूम और पुश ब्रूम क्या है, ठीक है, और इसको किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। सबसे पहले ये हैं क्या, ठीक है। तो कल हमने सेंसर की बात की थी। जो सेंसर होता है, सेंसर वो डिवाइस है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के बिना फिजिकल कांटेक्ट के, यहाँ से ये इतनी दूरी पर है एटमॉस्फेयर में, अपर एटमॉस्फेयर में, तो ये वो डिवाइस है, सेंसर वो डिवाइस है जो बिना किसी ऑब्जेक्ट के, बिना किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट में आए, यहाँ से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है। अभी इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करता है, कैसे डाटा को कलेक्ट करता है, सन से जो एनर्जी रिलीज होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या फिर जो आर्टिफिशियली हमने एनर्जी बनाई हुई है, ठीक है, जैसे रेडार में हम यूज़ करते हैं, रेडार में, लेज़र में, उन सभी से जो ये जो एनर्जी रिलीज़ होती है, और ये एनर्जी जब किसी ऑब्जेक्ट से टकरा करके वापस जब रिफ्लेक्ट होती है एटमॉस्फेयर में, तो ये सेंसर इसको क्या कर लेते हैं, ये जो सेंसर है या फिर ये जो डिवाइस है, ये इसको क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, और ये फिर इसको जो सेंट्रल होते हैं, सेंट्रल बोर्ड है, वहाँ पे इसको क्या करते हैं, सेंड करते हैं, तब जाके हम इसको डिजिटल फॉर्म में या पिक्टोरियल फॉर्म में इसको पा पाते हैं, और फिर उसका मैप बना करके उसका अप्लाइड पोर्शन में हम उसको यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सेंसर क्या है, सेंसर वो डिवाइस है, ठीक है। अब ये स्कैन जब करता है सेंसर किसी भी एरिया को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, जब ये किसी एरिया को इस तरीके से स्कैन कर रहा होगा, ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ टाइप्स होगा, ये किस तरीके से स्कैन कर रहा है। तो स्कैनिंग करने के टाइप्स से कि कोई सेंसर किसी एरिया को किस तरीके से स्कैन कर रहा है, इस टाइप से हमने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। पहली कैटेगरी है पुश ब्रूम, दूसरी कैटेगरी है विस्क ब्रूम, ठीक है। अब विस्क ब्रूम और पुश ब्रूम क्या है, ब्रूमिंग करना मतलब झाड़ू लगाना होता है, ब्रूमिंग करना मतलब, ब्रूमिंग माने झाड़ू लगाना होता है। तो झाड़ू लगाने की जो तरीका होता है, जो कब कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता है, उस तरीके को देख के, उस चीज़ को ऑब्जर्व करके, हमने इस जो ये टाइप्स हैं, जो सेंसर का स्कैनिंग करने का जो टाइप है, उस झाड़ू लगाने के तरीके से प्रेरित होकर हमने इसको क्या करा है, इसको क्या करा है, इसको बनाया है, ठीक है। तो विस्क ब्रूम का क्या मतलब होता है, क्रॉस द ट्रैक, और पुश ब्रूम का मतलब क्या है, अलोंग द ट्रैक। मेरे को अभी समझ में आ रहा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप धैर्य बनाए रखिए, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी अभी, ठीक है। विस्क ब्रूम का मतलब यह है क्रॉस द ट्रैक, क्रॉस का मतलब क्या है, एक ऐसे काटना, ठीक है, और पुश ब्रूम का मतलब है क्या, धकेलना, पुश करना मतलब धकेलना। तो आप पहले आप इमेजिन करिए, पुश ब्रूम मतलब आप लगाइए वाइपर से, जो घर में वाइपर हम यूज़ करते हैं वो, और विस्क ब्रूम मतलब जो झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू, ठीक है। अब इंसान यहाँ पे खड़ा है तो झाड़ू वो अपने आगे इस तरीके से बढ़ते हुए लगाएगा आगे, या फिर इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ चलेगा, यहाँ से इसका ट्रैक ये है, और ये झाड़ू इस तरीके से लगाते हुए चल रहा है, यहाँ से इस तरीके से साफ करते हुए चल रहा है, तो ट्रैक के अपने क्रॉस करते हुए चल रहा है, इधर झाड़ू लगा रहा है, फिर इधर लगा रहा है, इधर लगा रहा है, इधर लगा रहा है, इधर लगा रहा है, इस तरीके से क्रॉस करते हुए चलता है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस द ट्रैक, अपने क्रॉस, अपने ट्रैक को क्रॉस करते हुए, मतलब ये हमारा हमारा लाइन है जिस पे हमें चलना है, तो ये अगर इधर से आ रहा है तो ट्रैक को इस तरीके से क्रॉस करते हुए चलेगा, ठीक है। अभी मैं इसको और डिटेल में बताऊँगा, बस आप धैर्य बनाए रखिए, ठीक है। और पुश ब्रूम का क्या मतलब है, ये ट्रैक है,
ठीक है, ये ट्रैक है, तो इसी दिशा में क्या करेगा, स्कैनिंग करेगा, ठीक है, इसी दिशा में स्कैनिंग करेगा, यानी कि वाइपर जो है, वाइपर हम क्या करते हैं, वाइपर इस तरीके से घुमाते हैं क्या, नहीं, हम वाइपर इस तरीके से सीधे ट्रैक के अलोंग चलते हैं, ठीक है, ट्रैक के यानी कि साथ साथ चलते हैं। इस चीज़ को अभी हम डिटेल में यहाँ से देख के समझते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने मैंने लगाया भाई, तो आप देखिए इनमें से एक है पुश ब्रूम और एक है विस्क ब्रूम। अब ये यहाँ से स्कैनर लगा हुआ है, यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है और यहाँ पर भी एक सेंसर लगा हुआ है, ठीक है, ये जो है यह है विस्क ब्रूम और ये है पुश ब्रूम, ठीक है। अब ब्रूमिंग करना मतलब झाड़ू लगाना, तो मैंने अभी को आपको बताया था ना कि यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे एक ऑक्सीलेटिंग मिरर लगा हुआ है, ऑक्सीलेटिंग मतलब एक दोलन करता हुआ, जैसे पेंडुलम होता है ना, घड़ी में जो पेंडुलम लगा होता है वो दोलन करता है, इस तरीके से दोलन करता है, एक पॉइंट पर आता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है, बी पॉइंट से फिर ए पॉइंट तक आता है, फिर इस तरीके से ऐसा करते हुए ऑक्सीलेट करता हुआ यहाँ पे एक क्या लगा है, मिरर लगा होता है, जो कि नीचे का जो ये एल्टीट्यूड है, नीचे का जो एरिया है, इसको स्कैन करता हुआ चलता है। अब आप देखेंगे ट्रैक के क्रॉस द ट्रैक चल रहा है, इस तरीके से आप देख रहे हो, ये इसकी जो दिशा है आप देख रहे हैं उस तरफ है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, इस तरीके से है इसकी दिशा, यानी कि क्रॉस द ट्रैक है, क्रॉस ट्रैक करते हुए और पूरे जो एरिया है उसको लाइन बाय लाइन, उसको एक पट्टी के रूप में, बैंड के रूप में ये ले रहा है और स्कैन करता हुआ चल रहा है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं पुश ब्रूम को, जो कि पुश ब्रूम किसका, किससे प्रेरित है, वो वाइपर लगाने से प्रेरित है, वाइपर, देखिए हम वाइपर इस तरीके से तो लगाते हैं, हम जिस ट्रैक पे चलते हैं उस ट्रैक पे इस तरीके से वाइपर को आगे पुश करते हुए चलते हैं इस तरीके से, तो ये है पुश ब्रूम। पुश ब्रूम का मतलब है लाइन में, पूरे ट्रैक को लाइन में इसने कई सारे लाइन में कन्वर्ट कर दिया है और इसको पुश करते हुए चल रहा है, तो ये है पुश ब्रूम। और जो यहाँ पर आप देखेंगे विस्क ब्रूम क्या है, इसकी तरफ विस्क ब्रूम जो है उसने पूरे ट्रैक को क्या कर दिया है, यहाँ पे ऑक्सीलेटिंग मिरर के माध्यम से राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट क्रॉस करते हुए, क्रॉस द ट्रैक करते हुए स्कैन करता है। और आप पुश ब्रूम को देखेंगे तो ये अलोंग द ट्रैक चलता है, ट्रैक के साथ साथ स्कैन करते हुए चलता है। इसका फ्लाइंग अल्टीट्यूड जो है, इसकी फ्लाइंग लाइन जो है, फ्लाइट लाइन यहाँ पर आप देख रहे हैं, फ्लाइट लाइन जो है वही इसकी स्कैनिंग लाइन भी है, फ्लाइंग लाइन जो है वही इसकी स्कैनिंग लाइन भी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फ्लाइंग लाइन, फ्लाइट लाइन तो यही है, फ्लाइंग लाइन तो यही है, इसी दिशा में उड़ रहा है, लेकिन जो इसकी स्कैनिंग लाइन है, स्कैनिंग लाइन आप देखेंगे इस तरीके से राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, इस तरीके से है, तो यहाँ पर क्रॉस करते हुए चल रहा है, क्रॉस द ट्रैक, और यहाँ पर चल रहा है अलोंग द ट्रैक, ठीक है, तो क्रॉस द ट्रैक और अलोंग द ट्रैक भी इनको इसलिए बोला जाता है। तो यहाँ पे आई होप कि आपको ये चीज़ है, मीनिंग इन दोनों का क्लियर हुआ होगा कि विस्क ब्रूम क्या है और पुश ब्रूम क्या है। तो ये जो दोनों स्कैनर है, मैं आपको बता दूं, ये मल्टी स्पेक्ट्रल जो स्कैनर होते हैं, ठीक है, मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर, जो मैंने कल आपको बताया था कि जिस तरीके के स्कैनर में, जिस तरीके के सेंसर में एक वर्णक्रम से ज़्यादा, एक वर्णक्रम यानी कि एक विजिबल, एक स्पेक्ट्रम से ज़्यादा बैंड को ऑब्जर्व करने की, उनके एनर्जी को ऑब्जर्व करके डेटा को कलेक्ट करने की कैपेसिटी होती है, उनको मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर, यानी कि MSS, MSS मतलब मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर। तो इस तरीके के स्कैनर में या तो वो पुश ब्रूम हो सकते हैं या वो विस्क ब्रूम हो सकते हैं। विस्क ब्रूम और पुश ब्रूम क्या है, इन दोनों का अंतर मैंने आपको समझा दिया। विस्क ब्रूम का मतलब है जो अपने क्रॉस द ट्रैक चलते हैं, और पुश ब्रूम का मतलब है जो अपने अलोंग द ट्रैक चलते हैं, ठीक है, ये इन दोनों में एक अंतर है, ठीक है। अब इसमें मैं आगे बढ़ने से पहले आपको विस्क ब्रूम के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें लिखी हुई है, जैसा IFOV है, IFOV होता है इनका ग्राउंड स्वाथ क्या होता है। स्वाथ का मतलब यहाँ पे मैं बस आपको बता देता हूँ, स्वाथ का मतलब ये है कि जब कोई स्कैनर अपने अल्टीट्यूड से, जो ये एक ऊँचाई है, निश्चित ऊँचाई, अल्टीट्यूड मतलब ऊँचाई, जिस ऊँचाई पर ये है उस ऊंचाई से जितने एरिया को स्कैन करते हुए चलता है इस ट्रैक पे, ये उसका कहलाता है स्वाथ, ग्राउंड स्वाथ। स्वाथ का मतलब वो रास्ता है, जिस रास्ते को, जिस क्षेत्रफल को वो स्कैन करता हुआ चल रहा है, जिस क्षेत्रफल को वो स्कैन करता हुआ चलता है उसे कहलाता है क्या, ग्राउंड स्वाथ, ठीक है। अब इसके थोड़ा सा मैकेनिज्म को यहाँ पे मैं समझाना चाहूँगा, ये पुश ब्रूम का, ठीक है, सॉरी विस्क ब्रूम का इसका मैकेनिज्म है कि किस तरीके से ये काम करता है। तो आप अगर यहाँ पे आप ये नज़र घुमाएंगे और आप समझने की कोशिश करेंगे, तो ये वो मिरर है जो वहाँ पे ऑक्सीलेट करता हुआ लगा हुआ था, ठीक है, कहाँ पर, तो आप यहाँ पे देखेंगे अगर, तो ये यहाँ ये वाला मिरर है, ठीक है, ये वाला मिरर है जो वहाँ पर, मैं उसको डिटेलिंग में बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ से जब एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर आएगी, तो इस ऑक्सीलेट करते हुए, क्योंकि ये जो मिरर है ना, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये घूम रहा है इस तरीके से घूम रहा है, तो ये इस पूरे ट्रैक को इस तरीके से कवर कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से ऐसे राइट टू लेफ्ट कवर करता हुआ चल रहा है, ठीक है। तो जब ये मिरर घूमता है
और घूम रहा है, जिसके साथ घूमने के साथ ही इसमें क्या है, यहाँ से रिफ्लेक्टेड एनर्जी इस मिरर पर पड़ती है, ठीक है। इस रिफ्लेक्टेड एनर्जी जब यहाँ से पड़ती है तो क्या होता है, तब यहाँ पे हम इसको डिटेल में देखते हैं। अब देखिए नीचे से एनर्जी वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, जब ये आई इस मिरर से जब टकराती है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना एनर्जी फ्रॉम ग्राउंड फीचर, एनर्जी ग्राउंड के जो फीचर है, धरातल के जो लक्षण है, उनसे आई एनर्जी इस मिरर पे टकराती है। एक मिरर इसमें फ्लैट है और एक मिरर आप देखेंगे ये थोड़ा सा कर्व्ड है, कर्व्ड मिरर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। अब इस मिरर से जब ये टकराती है तो यहाँ पे ये जो ऑप्टिक्स लगा हुआ है ना, ऑप्टिक्स बोलते हैं मिरर को, ठीक है, ऑप्टिक्स भी जैसे बोला जाता है, तो जब ये इस शीशे से टकरा करके जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पे एक डाइक्रोइक ग्रेटिंग लगा हुआ है। डाइक्रोइक ग्रेटिंग का मतलब है द्विवर्णी ग्रेटिंग का मतलब वर्ण मतलब रंग, ठीक है। तो मैंने वर्ण क्रम बताया था ना, जो स्पेक्ट्रम होता है, तो द्विवर्णी मतलब दो भागों में इसको यहाँ पे स्प्लिट कर देता है। जितनी भी एनर्जी यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है, इस मिरर में पड़ रही है, इस मिरर में पड़ने के बाद ये इस द्विवर्णी ग्रेटिंग में जब पड़ती है तो इसको ये दो भागों में स्प्लिट कर देता है, जितनी भी एनर्जी है, मतलब जो स्पेक्ट्रम है उसको डिवाइड कर रहा है। तो जो थर्मल और नॉन थर्मल इंफ्रारेड थर्मल बैंड के और जो नॉन थर्मल बैंड के वेवलेंथ होती है, इनको ये अलग अलग कर देता है। जो जितना थर्मल बैंड का वेवलेंथ होती है, जितनी भी एनर्जी यहाँ से आई, और जो थर्मल बैंड की एनर्जी होती है उसको तो ये डायरेक्ट कर देता है, यहाँ पे सेंसर के पास भेज देता है, जितने भी सेंसर यहाँ पे लगे हुए हैं। अभी जो सेंसर यहाँ पे इतने सारे लगे हुए हैं, ये अलग अलग वेवलेंथ को रिकॉर्ड करने के लिए लगे हुए हैं। कुछ ऐसे सेंसर हैं इनमें जो ब्लू बैंड को रिकॉर्ड करेंगे, कुछ रेड को रिकॉर्ड करेंगे, कुछ इंफ्रारेड को रिकॉर्ड करेंगे, कुछ थर्मल को रिकॉर्ड करेंगे। तो जो भी थर्मल वेवलेंथ को रिकॉर्ड करने वाले बैंड हैं, वो सेंसर यहाँ पे लगे हुए हैं नीचे दो, तो उन जो थर्मल बैंड वाले सेंसर हैं उनको तो ये डायरेक्ट एनर्जी भेज देगा, ठीक है। और जो नॉन थर्मल है, यानी कि जो हो सकता है कि जो नीले बैंड की एनर्जी हो, कुछ हो सकता है कि इंफ्रारेड की एनर्जी हो, कुछ रेड बैंड की एनर्जी हो, तो ये इसको प्रिज्म के पास भेज देगा, और ये प्रिज्म फिर इसको अलग अलग करके, क्योंकि अब उसमें हो सकता है कि विबग्योर हो सकता है, तो इसको ये अलग अलग करके और अलग अलग बैंड वाले एनर्जी को अलग अलग सेंसर के पास ही भेजता है, और अलग अलग सेंसर इसको फिर क्या है, इसको इलेक्ट्रॉनिक जो डेटा है उसमें कन्वर्ट करके फिर नीचे फिर ये भेजा जाता है, किसके पास, सेंटर के पास, और ये फिर टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होता है। लेकिन वर्तमान समय में ये तो ये काफ़ी लंबी प्रोसेस है, लेकिन वर्तमान समय में क्या होता है, ये जो डिटेक्टर होते हैं, ये डिटेक्टर डायरेक्ट इसको स्टेशन तक भेजते हैं, और वहाँ पे इनको डिजिटल पिक्टोरियल फॉर्म में इनको क्या कर लिया जाता है, डेटा कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है विस्कब्रोम की पूरी प्रोसेस है, ठीक है। आई होप कि आपको ये पूरी प्रोसेस विस्कब्रोम की समझ में आई होगी और पसंद आई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है क्रॉस द ट्रैक करते हुए, और ये जो अलोंग द ट्रैक है इसको हम इतना अभी देखेंगे आप, ये जो अलोंग द ट्रैक है मैं इसको भी बता देता हूँ, पुश ब्रूम, ये किस तरीके से काम करता है। इसमें इस तरीके की कोई ऑक्सीलेट करती हुई घूर्णन करती हुई कोई भी मिरर नहीं लगा होता। यहाँ पे क्या लगा है, बस आप देखेंगे एक सेंसर लगा हुआ है, ठीक है, एक सेंसर लगा हुआ है यहाँ पे एक, जिसमें क्या होता है यहाँ से एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है। अब इसने इसको पूरे स्वात को क्या है, आप देख रहे हैं पूरे स्वात को लाइन में, कई सारी लाइन में इस तरीके से डिवाइड कर दिया, ठीक है, और छोटे छोटे जो है यहाँ पे ब्रेक लगे हुए हैं, छोटे छोटे से आप देख रहे होंगे, आपको ये 10x10 meter के सेल लगी हुई है। अब सेल का क्या मतलब है, तो जितना एरिया ये देख रहे हैं आप, ये जितनी 10x10 का, मान लीजिए ये पूरा जो चौड़ी पत्ती है जिसको ये स्कैन करते हुए चल रही है, 1 kilometer की है, कितनी 1 kilometer की, तो यहाँ पर 1 kilometer के जो एनर्जी जो एरिया है पूरा, उस एरिया में पूरे 1 kilometer के एरिया में ये 10x10 के, क्योंकि यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे तो कई सारे सेंसर लगे हुए हैं, तो सेंसर जब जितने सेंसर लगे होंगे तो नीचे भी उतनी पट्टियां बनेंगी, ठीक है, नीचे भी उतनी पट्टियां बनेंगी, तो जो एक सेंसर है, जो ऊपर एक सेंसर लगा हुआ है, वो इस पूरे ग्राउंड का एक सेंसर केवल 10 meter लंबा 10 meter चौड़ा भाग ही कवर करेगा, उसकी रेजोल्यूशन ये कहलाएगी उसकी स्पाशियल रेजोल्यूशन, यानी कि जो स्थानिक विभेदन होता है। अभी रेजोल्यूशन को डिटेल में बताऊंगा, बस आप इतना समझ ले कि जो पूरा एरिया है, जितना भी एरिया को ये रिकॉर्ड कर रहा है, जितने एरिया को ये स्कैन करता हुआ चल रहा है, तो उस उतने एरिया के, ठीक है, ऊपर उतने ही सेंसर लगे होंगे, जितने सेंसर से यहाँ पे इसको हमने डिवाइड करना है, उतने सेंसर ऊपर लगेंगे। मान लीजिए ये 1 kilometer का है, तो हमने ऊपर 10 sensor लगाए हुए हैं, और 10 sensor 10x10 के ही, फिर इसको 1 kilometer को 10x10 को डिवाइड कर करके इसको स्कैन करता हुआ चल रहा है, और जब ये एक
पिक्सल यहाँ पे बन गया, एक ये आप बॉक्स देखेंगे यहाँ पे बन गया, तो इसको बोलते हैं ग्राउंड रेजोल्यूशन सेल। तो ये एक सेल के रूप में कन्वर्ट रिकॉर्ड करते हुए चलता है, ठीक है। तो ये है पुश ब्रूम की जो मैकेनिज्म है पुश ब्रूम का, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देखते हुए चलते हैं, फिर वो आगे बाकी सारी चीज़ें फिर वैसे ही डिटेल में कवर होती जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है आई एफ ओ वी क्या है, इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। फील्ड ऑफ व्यू, तात्क्षणिक दृष्टि क्षेत्र इसको हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। आई एफ ओ वी का क्या मतलब है, एंगुलर कोन ऑफ विजिबिलिटी ऑफ द सेंसर, ठीक है। यहाँ से एक सेंसर लगा हुआ है, ठीक है, सेंसर यहाँ से लगा हुआ है, तो यहाँ से जितना भी एरिया दिखता है, यहाँ से जितना भी एरिया आपको विजिबल होगा सेंसर में, यहाँ से जितना भी एरिया सेंसर में विजिबल होगा उसको आई एफ ओ वी बोल देते हैं, बस फील्ड ऑफ व्यू, जितना फील्ड हमें दिखाई दे रहा है उस एंगल को, ये उस एंगल को क्या बोल दिया जाता है, उस एंगल को बोला जाता है आई एफ ओ वी, ठीक है। क्या बोला जाता है, आई एफ ओ वी, इस सेंसर से जितना भी एरिया दिख रहा है उस एरिया को बोलेंगे आई एफ ओ वी, ठीक है। जो कि जो धरातल से देखे गए क्षेत्र की निश्चित समय में जो दूरी है वो बताता है कि कितना एरिया देखा जा रहा है किसी एक निश्चित पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। और जितना एरिया ये कवर करता है उसको बोलते हैं क्या, रेजोल्यूशन सेल, क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन सेल। अब यहाँ पे नीचे ये लिखा हुआ भी आप जैसे देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे आई एफ ओ वी क्या है, ये एंगुलर डिस्टेंस है, ठीक है, ये एंगुलर डिस्टेंस है। अब यहाँ पे एंगुलर फील्ड ऑफ व्यू लिखा हुआ है, इसको और आई एफ ओ वी में थोड़ा सा अंतर समझ लें। जो आई एफ ओ वी है इसकी लंबाई चौड़ाई प्लस ऊंचाई भी इसमें कन्वर्ट की जाती है, ठीक है, काउंट की जाती है, मतलब लंबाई तो की जाती है, लंबाई चौड़ाई प्लस ऊंचाई भी इसमें काउंट की जाएगी आई एफ ओ वी में। कहाँ से, इस पॉइंट से, इस अल्टीट्यूड से लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को जब हम काउंट कर लेते हैं तो वो कहलाता है क्या, आई एफ ओ वी, ठीक है। आई एफ ओ वी वो एरिया है, वो कोन है, ठीक है, यहाँ से ये पूरा कोन है, इसे 3D में हम लेंगे, 3D में, किसमें, 3D में लेंगे, तो ये वो कोन है जहाँ से वो पूरा फील्ड ऑफ व्यू दिखाई दे रहा है। अब ये जो आई एफ ओ वी है वो वेरी करता है किस पे, अल्टीट्यूड पे, अल्टीट्यूड जितना ज़्यादा होगा आई एफ ओ वी उतना ही ज़्यादा होगा, यानी कि जितनी दूर से हम किसी चीज़ को देखेंगे, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से देखूँ तो हमें मेरे को थोड़ा सा दिखाई देगा, अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ से देखूँ तो मेरा आई एफ ओ वी ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि मुझे इतना एरिया दिखाई देगा, अगर इसी पॉइंट को मैं यहाँ से देखूँ तो ये आई एफ ओ वी मेरा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मतलब मुझे पास पास की चीज़ें भी आसपास की इसकी दिखाई दे रही हैं। तो आई एफ ओ वी किस पे वेरी करता है, आई एफ ओ वी निर्भर करता है किस पे, अल्टीट्यूड पे, अल्टीट्यूड जितना ज़्यादा होगा हमारा इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू भी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। अब जब ये एक एक सेल को यहाँ पे, इसको कई सारे सेल में डिवाइड कर दिया क्योंकि जितना मान लीजिए 1 किलोमीटर का एरिया है तो उस 1 किलोमीटर को 10x10 में हम डिवाइड करके अलग अलग फिर उसको स्कैन करते चलते हैं, तो वो एक सेल क्या कहलाता है, एक सेल कहलाएगा ग्राउंड रेजोल्यूशन सेल, ठीक है, 10x10 मीटर का जो होगा, ठीक है, बस इतना सा आप जानते हुए चलेंगे तो इतना बहुत है, सफिशियंट है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात आई है रेजोल्यूशन की, विभेदन की। रेजोल्यूशन क्या है, रेजोल्यूशन को मैं अगर बहुत ही सिंपल भाषा में आपको मैं समझाऊँ तो रेजोल्यूशन वो छोटी से छोटी दूरी है, वो छोटी से छोटी जानकारी है, ठीक है, जो किसी सेंसर द्वारा सेंस कर ली जाती है, ठीक है, किसी सेंसर द्वारा सेंस कर ली जाती है, उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर सेंसर लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर कोई एक क्या है, कोई एक ये एरिया है, ये पूरा कोई एक एरिया, यहाँ पे एक नदी है, ठीक है, ये नदी बह रही है, यहाँ पे घर है, यहाँ पे पेड़ हैं, ठीक है, तो इन जब ये सेंसर जो है जितनी एरिया को ये कवर करता है, ठीक है, जितने एरिया को ये कवर करता है उसे बोलते हैं आई एफ ओ वी, ठीक है, और जिस छोटी से छोटी जानकारी को डिटेक्ट कर पाता है तो उसे बोलते हैं रेजोल्यूशन, मतलब रिजॉल्व करना, कितनी जानकारी को इसने रिजॉल्व कर लिया है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं रिजॉल्व करना। इसे मैंने काफ़ी इसमें लगाया भी है नीचे, आप चाहे तो यहाँ पे से पढ़ सकते हैं। तो देखें रिजोल्यूशन क्या है, ग्रिड और रॉ और कॉलम का एक ग्रिड होती है, ठीक है, किसी एरिया है, ये कोई एरिया है, इस एरिया को अगर हमने रॉ और कॉलम में डिवाइड कर दिया इस तरीके से तो ये क्या बन जाते हैं, रिजोल्यूशन बन जाता है, ठीक है, इसका रिजोल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। किसी इमेज में विभेदन का अर्थ उस इमेज के रॉ और कॉलम से बने ग्रिड से है, जिसे पिक्सल भी कहा जा सकता है। तो यही जो कॉलम है, रॉ और कॉलम है, इनसे बना जो ग्रिड है इसको पिक्सल भी कह सकते हैं, ठीक है। रिजोल्यूशन का सामान्य अर्थ किसी इमेज में उस कुल पिक्सलों की संख्या होती है, मतलब इसको अगर मैं सिंपल से आपको बताऊं यहाँ पे, तो यह है, ये कोई इमेज है, इस इमेज को जो डेटा होता है, इस इमेज से डाटा कैसे कन्वर्ट लिया जाता है इस सेंसर द्वारा, ये सेंसर इसको कई सारे ग्रिड्स में डिवाइड कर देती है, मतलब कई सारे रोज में और कई सारे कॉलम्स में डिवाइड कर देती है। तो ये जो एक
आपको यहाँ पे रो और कॉलम का ये दिखा दे रहा है चौकोर आकार का, तो इसे बोलते हैं पिक्सल। ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, पिक्सल। ठीक है, तो ये पिक्सल जिस इमेज में जितने ज़्यादा होंगे तो इमेज उतनी ही ज़्यादा फाइन होगी, उतनी ज़्यादा अच्छी दिखाई देगी, और ये पिक्सल जितने ही भी किसी इमेज में कम होंगे तो पिक्सल उतनी ही ज़्यादा बेकार आएगी और उतनी ज़्यादा उसकी जानकारी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें लगाई हुई है, इतना ज़्यादा आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं है रिजोल्यूशन के बारे में। बस रिजोल्यूशन का अगर आपको मतलब समझ में आई है तो आपका काम बन जाएगा। तो रिजोल्यूशन का सिंपल सा मतलब इतना है कि कोई भी सेंसर कितनी अच्छे से छोटी जानकारी को धरातल से वो प्राप्त कर सकता है। ठीक है, वो क्या कहलाती है, उसकी रेजोल्यूशन कैपेसिटी। अब रेजोल्यूशन कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी तो वो उस इमेज से उतनी ज़्यादा जानकारी हम ले पाएंगे, और रेजोल्यूशन कैपेसिटी जितनी कम होगी तो वो उस इमेज से हम जानकारी उतनी ही कम कलेक्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पर रेजोल्यूशन आपने अपने मोबाइल में देखा भी होगा तो 2048x1536 लिखा हुआ होता है। इसका मतलब होता है जो हाइट है इमेज की, उस हाइट में 1536 रोज हैं। ठीक है, 1536 क्या है, रोज़ हैं, और 2048 क्या है, उसके विड्थ है यानी उसके कॉलम है। तो रोज और कॉलम को गुणा जब हम कर देंगे तो ये पिक्सल यहाँ पे टोटल आ जाती है, जिसे रेजोल्यूशन बोलते हैं। पिक्सल को रेजोल्यूशन एक ही बात है, और जो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल होती हैं उसे ही क्या है, पूरी इमेज बोल देते हैं। अब इस पूरे इमेज, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट यहाँ पर आया उसको जब हम 1 मिलियन से डिवाइड कर देते तो वो मेगापिक्सल में यहाँ पे निकल करके आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3.4 मेगापिक्सल है, तो जितना ज़्यादा पिक्सल का साइज़ होगा तो क्या है, इमेज उतनी ही ज़्यादा फाइन होती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, क्लियर आई हुई। अब यहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन लगाया हुआ है, तो यहाँ पे आप टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन देखेंगे तो रेजोल्यूशन का टाइप्स क्या मतलब है, कितने तरीके से रेजोल्यूशन हो सकता है, तो 4 तरीके से होता है। स्थानिक विभिन्न, स्पेटियल रेजोल्यूशन, स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन, रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन और टेम्पोरल रेजोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्पेटियल रेजोल्यूशन। स्पेटियल रेजोल्यूशन का मतलब यह है कि कितने एरिया को वो कवर करता है, कितने छोटे से छोटे एरिया को कवर करता है, उसे स्पेटियल रेजोल्यूशन बोलते हैं। कि कितने एरिया में, यानी कि मान लीजिए 1 मीटर की ये, 1 किलोमीटर की ये लंबाई को, 1 मीटर के ग्राउंड स्वाथ को ये लेकर के चल रहा है, तो इसमें वो कितने उसने ग्रिड्स बनाए हुए हैं, कितने पिक्सल को, कितने सेल को बनाते हुए चल रहा है, कि वो 10x10 के सेल बना चल रहा है, 20x20 के। तो जितने छोटे से छोटे एरिया को वो कवर करते हुए चलता है क्षेत्रफल के संदर्भ में, एरिया के संदर्भ में, तो उसे बोलते हैं क्या, स्पेशियल रेजोल्यूशन। अब स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन का क्या मतलब है, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि जितने वर्णक्रम का, जिस वर्णक्रम का, यानी कि जो स्पेक्ट्रल होता है ना, स्पेक्ट्रम होता है, विजिबल स्पेक्ट्रम, और जिस वेवलेंथ का वो क्या करता है, ऑब्जर्वेशन कर पाता है, जिस वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर पाता है, तो उसे स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे सेंसर होते हैं जो केवल इंफ्रारेड को रिजॉल्व कर पाते हैं, कुछ ऐसे रेजोल्यूशन होते हैं, सॉरी सेंसर होते हैं जो कि केवल आप देखेंगे थर्मल को, जो थर्मल बैंड होता है उसको रिजॉल्व कर पाते हैं। तो ठीक है, तो ये इसका क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन, कि किस वर्णक्रम को वो क्या है, विभेद कर पा रहा है, किस वर्णक्रम की जानकारी प्राप्त कर पाता है। ठीक है, अब रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन का क्या मतलब है, ग्रे स्ट्राटा में, मतलब जो भी एनर्जी यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के आई वो उसको ब्लैक एंड वाइट में देखता है। ठीक है, अगर 4 बिट की है तो उसको कितने ग्रे स्ट्राटा में कन्वर्ट करता है, मतलब जब यहाँ से एक तो आता ब्लैक और वाइट। ठीक है, अगर इसमें मैं केवल ब्लैक और वाइट की बात करूँ तो इसमें केवल 2 ही ग्रे स्ट्राटा हैं, 2 ही इसमें वर्णक्रम है। ठीक है, एक है ब्लैक और एक है वाइट। ठीक है, एक है ब्लैक और एक है वाइट, इसी के, लेकिन इसके बीच में भी कुछ ना कुछ ऐसे ट्रांजिशनल फेज होगा जिसमें बीच में कई सारे वर्ण क्रम आए होंगे, ना कि जो वर्ण आए होंगे, जो रंग आए होंगे, जो कि ना ही काले होंगे, जो ना कि पूरी तरीके से सफ़ेद होंगे, जो इनके बीच की लाइन होगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई सेंसर अगर रिकॉर्ड करता है, इनके बीच के जो भी ट्रांजिशनल कलर्स होते हैं उनको भी रिकॉर्ड कर लेता है, तो उसे बोलते हैं रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन। अब टेम्पोरल रेजोल्यूशन का मतलब है कि एक जो सेंसर है, एक सैटेलाइट है, वो कितने टाइम में पृथ्वी के सरफेस को ऑर्बिट करते हुए वापस फिर उसी स्थान पर आती है, तो उसका एक टेम्पोरल रेजोल्यूशन कहा जाएगा। ठीक है, अब एक सैटेलाइट ऐसी है जो पृथ्वी का चक्कर 6 दिनों में लगाती है, 1 हफ्ते में लगाती है, और एक सैटेलाइट ऐसी है जो 1 महीने में लगाती है, तो इसका ये क्या कहलाता है, टेम्पोरल रेजोल्यूशन कहा जाता है। अब टेम्पोरल रेजोल्यूशन में जितना उसकी टाइमिंग कम होगी, 1 हफ्ते में अगर एक चक्कर लगा ले रही है
तो वो जल्दी से जल्दी चीज़ों को, जल्दी से जल्दी घटनाओं को रिकॉर्ड कर पाएगी। अब जो एक महीने में आ रही है तो उसे वो घटनाएं वो मिस कर जाएगी जो उस एक महीने में बीत चुकी होंगी। तो इसका ये टेम्पोरल रेजोल्यूशन कहा जाता है। जितने कम समय में ये पूरा चक्कर लगाएगा तो वो उसका उतना ही अच्छा ज़्यादा हमें क्या है इफेक्ट मिल देखने को मिलता है। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने इसमें पूरी डिस्कस कर दी है, विस्क ब्रूम पोस्ट ब्रूम IFOB रेजोल्यूशन। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, पसंद आई होंगी, और जितनी ही मैंने इसमें बता दिया है उतना ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। ये सारी चीज़ें भी बस इनसे क्वेश्चन आया ही नहीं है, वैसे तो डायरेक्टली तो नहीं पूछा जाता है, इनडायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो बस मैंने इसलिए बताया, एक तो ये प्लस एक तो जो है कि ये हमारे सिलेबस में है, प्लस जो है कि दूसरे जो आने वाले टॉपिक्स हैं उनका कनेक्टिंग हो सकता है इस टॉपिक से। ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों को जानना इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें अगर आपका कोई भी सजेशन है तो। ठीक है, और इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।